मनुष्य भी अनादि हैं। चीज का कोई क्रिएटर हुआ ही नहीं, पर तो फिर भी जो उसको क्रिएटर कहा जाता है वो उसी नाते कहा जाता है कि वो आकर करके हम मनुष्य आत्माओं को हमारी जो कंप्लीट स्टेज है जिसको प्यूरिफाइड स्टेज कहा जाए उसी पर ले आता है। इसीलिए हमारे में प्यूरिफिकेशन भरने के कारण उनको उनका क्रिएटर कहा जाता है कि मनुष्य की जीवन की जो स्टेज कंप्लीट है उसी पर मनुष्य आत्मा को ले आता है। तो इसी नाते उनको कहे जाते हैं न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर। वैसे वर्ल्ड तो अनादि है, ऐसे नहीं कि कभी वर्ल्ड है ही नहीं, वर्ल्ड अनादि है, परंतु वो आकर करके मनुष्य को इसी तरीके से नया बनाता है। ये पुराने हो गए ना, अभी हम सब देखो ओल्ड हो गए हैं, पुराने, उनका मतलब ही है आयरन एजेड वर्ल्ड अभी है, जिसको कहा जाएगा पुरानी दुनिया। तो हम सब अभी पुराने तमो प्रधान हो गए हैं, अभी बाप आकर करके फिर हमको सतो प्रधान बनाते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है नई दुनिया अथवा नई दुनिया का क्रिएटर, बाकी ऐसे नहीं दुनिया ही नहीं है। तो ये भी चीजें समझने की है कि उसको क्रिएटर इसी नाते कहा जाता है, पर तो ये समझना कि जो परमात्मा इसी सभी बातों का जो यथार्थ नॉलेज है वो ही आकर के देते हैं। इसीलिए इस सभी बातों का निर्णय यथार्थ कि परमात्मा क्या है और हम मनुष्य आत्माएं क्या है और ये मनुष्यों के सृष्टि का चक्कर भी कैसे चलता है, इन सभी बातों की यथार्थ नॉलेज वो नॉलेजफुल गॉड ही जो है ना वो आकर करके देते हैं। इसीलिए उनको नॉलेजफुल भी कहते हैं, क्रिएटर भी कहा जाता है और हिंदी में भी कहते हैं पतित को पावन करने वाला, दुख हरता सुख करता, ये सभी महिमा उनको दी जाती है। उनको भी कहेंगे सुप्रीम सोल।